Hello everyone. So guys, this is me, Rahul Agrawal, and a very good morning, a very warm, good morning to all of you. So, sab sun sakte hain mujhe? Am I audible, visible to all of you properly? Sab dekh sakte hain, sun sakte hain mujhe? Hello Divyanshu, hello Mumtaz. So good morning all of you. So guys, follow me on the Unacademy learning app. और Unacademy में मैंने बहुत सारे free courses बनाए हुए हैं यार, काफी सारे free courses हैं, okay? To be precise, अगर मैं आपको बताऊं, 233, ये 233 courses मैंने बनाए हुए हैं Unacademy में, as far as the free courses are concerned. ठीक है? So just follow me there on Unacademy learning app और जितने भी मेरे courses हैं, बहुत help आपको करेंगे, जरूर देखिएगा. And also you can get updates about all my new courses, you can watch all my lessons. एंड साथ ही साथ आप स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन भी देख सकते हैं. ओके, सो यू ऑल कैन डू ऑल दिस. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप Unacademy Plus में सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं तो आप ये रेफरल कोड यूज कीजिए, राहुल अग्रवाल, RAHUL AGRAWAL. अगर आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा, इंस्टेंट. सो गाइज, इफ यू मिस दिस, यू मिस आउट. एंड एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन करते हैं, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट मिलेगा. दैट विल बी टोटल 35% डिस्काउंट. सो क्या वेट कर रहे हैं आप, जाइए Unacademy Plus में, डू सब्सक्राइब टू Unacademy Plus, यूज दिस रेफरल कोड राहुल अग्रवाल विदाउट एनी स्पेस. ओके, यूपीएससी सीएसई कैटेगरी के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, सबकी क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं, एक एक एजुकेटर की. पहले ये होता था कि अगर आपने किसी एक एजुकेटर का कोर्स सब्सक्राइब किया है तो आप किसी दूसरे की क्लासेस नहीं देख सकते, बट अब ऐसा नहीं है. फाइन, या मंथली सब्सक्रिप्शन का भी पैकेज है, 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. But what I will suggest you, कि go for the 6 month, ठीक है? So daily news analysis presented only by me, Rahul Agrawal. Now no change in China's stance. भाई जब भी इस तरीके का कोई हमला होता है भारत में, जैसा भी पुलवामा में हुआ है परसों, तो एक तरीके से इंडिया में तो व्यू पॉइंट पूरा क्लियर होता है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, और चाइना का पूरा क्लियर होता है, चाइना हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता है. सो चाइना रीइटरेटेड ऑन फ्राइडे दैट इट स्टूड बाय अ यूनाइटेड नेशन बैन ऑन द पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैश ए मोहम्मद, बट इट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ रिवर्सिंग इट्स स्टांस अगेंस्ट सैंक्शनिंग इट्स चीफ मसूद अजहर एज अ ग्लोबल टेररिस्ट. तो चाइना का पिछले 3-4 साल से तो मैं ही सुन रहा हूं, बेसिकली मसूद अजहर को, जो कि जैश ए मोहम्मद का चीफ है, उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं किया जा रहा है. चाइना हर बार इस चीज में अड़ंगा डाल देता है. तो चाइना का यहां पे ये कहना है कि भाई यूनाइटेड नेशन ने जो जैश ए मोहम्मद पे बैन लगाया है वो सही है, लेकिन मसूद अजहर ग्लोबल टेररिस्ट नहीं है. अब ये तो चाइना ही जानेगा कि भाई व्हाट इट इज ट्राइंग टू से. नाउ आस्क्ड टू कमेंट ऑन चाइनास स्टैंड ऑन लिस्टिंग अजहर एज अ ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूएनएससी, फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि एज फॉर द इशू ऑफ लिस्टिंग आई कुड टेल यू दैट द 1267 कमिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैज अ क्लियर स्टिपुलेशन ऑन द लिस्टिंग एंड प्रोसीजर ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. जेईएम हैज बीन इंक्लूडेड इन द सिक्योरिटी काउंसिल टेररिज्म सैंक्शंस लिस्ट.
China will continue to handle the relevant sanctions issue in a constructive and responsible manner. Okay, so United Nations की Security Council जो है उसकी कमिटी नंबर 1267 ने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट करने का. ठीक है, सो चाइना का कहना है कि भाई उसका एक क्लियर प्रोसीजर है और उसी प्रोसीजर के हिसाब से चीजें होंगी. सो इन अ स्टेटमेंट इन न्यू दिल्ली द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कॉल्ड अपॉन ऑल मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी टू सपोर्ट द प्रपोजल टू लिस्ट टेररिस्ट इंक्लूडिंग मसूद अजहर as a designated terrorist under the 1267 sanctions committee of UNSC and also to ban terrorist organizations operating from territories controlled by Pakistan. बात आपको समझ में आ रही है? आगे चले, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं आप बता देता हूं. China always show their veto in UN. या हमेशा हमेशा के साथ हमेशा चाइना ने ये चीज की है मसूद अजहर को मतलब ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के समय अड़ंगा चाइना ने हमेशा डाला है. सो ये कोई नई बात बिल्कुल नहीं है. ठीक है, सो चाइना के जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने फाइनली में ये भी कहा कि भाई वी आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू टेररिज्म बेस्ड ऑन रीजनल इंगेजमेंट एंड वी होप रेलिवेंट रीजनल कंट्रीज विल कोऑपरेट टू कोप विद द थ्रेट ऑफ टेररिज्म एंड जॉइंटली अपहोल्ड रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी. ठीक है, चाइना हैज नोटेड द रिपोर्ट्स ऑफ सुइसाइड टेररिस्ट अटैक एंड वी आर डीपली शॉक्ड बाय दिस अटैक. वी एक्सप्रेस डीप कंडोलेंसेस सिंपैथी टू द इंजर्ड एंड बिरीव्ड फैमिलीज. टेररिस्ट का एक ग्लोबल डेफिनेशन तक नहीं है, आपको पता है, एक फॉर्मल ग्लोबल डेफिनेशन तक नहीं है. सो नॉट ओनली इंडिया बट वर्ल्ड ओवर हर कंट्री को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि भाई वो कर क्या रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग. ठीक है, नाउ अ डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा कॉल्स फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ. So, ये 2012 यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि भाई पार्लियामेंट की जो जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस की, वो इन तीनों में से किसके दौरान होती है. दिव्यांशु आई टीच पॉलिटी. ओके, ऑन अन अकेडमी यू कैन फाइंड वेरियस पॉलिटी कोर्सेस मेड बाय मी. देयर इज अ डेडिकेटेड डाउट डिस्ट्रॉयर सीरीज डीडी सीरीज फॉर पॉलिटी. गाइज, इन केस ऑफ मनी बिल क्या होता है? मनी बिल के केस में लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर्स है. मतलब कि सपोज लोकसभा ने मनी बिल पास किया, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट उसमें, मतलब राज्यसभा चाहती है कि भाई इसमें कुछ अमेंडमेंट हो, तो वो लोकसभा की मर्जी है कि वो राज्यसभा की बात को माने या ना माने. एज सिंपल एज दैट. और उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है उसमें क्या होता है, वो दोनों हाउसेस को अलग अलग पास करना है. उसमें भी आप जॉइंट सिटिंग बुला के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास नहीं करा सकते. ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज वन ओनली. एंड गाइस, जैसा कि दिव्यांशु यू आर आस्किंग कि व्हाट अपार्ट फ्रॉम डीएनए, बेसिकली आई एम आल्सो टीचिंग मॉडर्न हिस्ट्री. ओके, सो आई हैव आल्सो मेड अ कोर्स 500 एमसीक्यूज ऑफ लर्निंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री for 2019 UPSC prelims examination. Now, United States and United Nations condemn the heinous attack. Okay, so US has reacted strongly to the terrorist attack on the CRPF convoy in Pulwama district of Jammu and Kashmir. And US ne seedha clear kar diya hai bhai ki we condemn in the strongest term the heinous terrorist attack by a Pakistan based terrorist group that killed over 40 Indian paramilitary forces. So, ये मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई थी, ये कोई मजाक बात नहीं हुई थी. 40 लोगों की तो डेथ हुई है, लगभग 44 इंजर्ड हैं, जिसमें कि 7-8 भयंकर रूप से इंजर्ड हैं. ठीक है,
सो वी एक्सप्रेस्ड यूएस का कहना है कि भाई वी एक्सप्रेस आर डीप कंडोलेंसेस एंड ये सारी चीजें होती हैं जब भी इस तरीके का कोई अटैक होता है वर्ल्ड ओवर देश मतलब उसके साथ खड़ा होता है एंड द यूएस कॉल्स ऑन पाकिस्तान टू एंड इमीडिएटली द सपोर्ट एंड सेफ हेवन प्रोवाइडेड टू ऑल टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेटिंग ऑन इट्स सॉइल हुज ओनली गोल इज टू सो chaos, violence, terror into the region, and this attack only strengthens our resolve to bolster counter-terrorism operation and coordination between US and India. Okay, so the United Nations designated Pakistan-based terrorist group Jaish-e-Mohammed has claimed responsibility even. So Jaish-e-Mohammed ne tak responsibility le li hai. Ab batao bhai, ab kya karoge aap? Jab khud Jaish-e-Mohammed ne responsibility le li hai, to phir ऐसा भी नहीं है कि भाई इंडिया जबरदस्ती ब्लेम कर रहा है कि नहीं. सो इंडिया ने अभी क्या डिसीजन लिया है आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताता हूं. साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस ने भी कंडेम किया इस अटैक को एंड ऑफर्ड कॉन्डोलेंसेस. जनरल जो है सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटरेस का कहना है ये एंड Now we stand with the people of India in condemning the terrorist attack in Jammu and Kashmir and send our condolences and prayers to victim families. We must all stand up against this jihadist and their ideology and Congress must not allow terrorist groups like Jaish-e-Mohammed to operate with impunity. Fine? आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन, consider the following statements with regard to the present position of right to property. राइट टू प्रॉपर्टी और फंडामेंटल राइट नहीं है जैसा कि आप सभी को पता है. सो तीन स्टेटमेंट्स हैं. सी राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है. सो अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन राइट टू प्रॉपर्टी पे नहीं लग सकता. अगर राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हो भी रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इशू रिट ज्यूरिसडिक्शन बिकॉज वो फंडामेंटल राइट नहीं है एंड एज फार एज सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न इट कैन ओनली इशू रिट फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है. पहला स्टेटमेंट सही है. राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 300A. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज इट वॉज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978. 6 नहीं. सो यहां पे मिस्टेक है. ओके सो थर्ड इज ऑल्सो फॉल्स. करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज ओनली वन. फाइन, ये नॉट, इट्स नॉट डी, इट्स बी. सो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 अबॉलिश द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट बाय रिपीलिंग आर्टिकल 19(1)(f) एंड आर्टिकल 31 फ्रॉम पार्ट 3. इंस्टेड द एक्ट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 300A इन पार्ट 12. ठीक है. एंड गाइज, ऑल अबाउट ट्रिब्यूनल्स इन अ डाउट डिस्ट्रॉयर मैनर, अगर ये कोर्स आप सभी को देखना है, विजिट अनअकैडमी एंड फॉलो मी. एंड साथ ही साथ, इफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूज द रिफरल कोड RAHULAGRAWAL, यानी कि राहुल अग्रवाल विदाउट एनी स्पेस. इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको अवेल किया जाएगा. फाइन, नाउ MFN स्टेटस, जिसकी ये बात हम अभी करेंगे, ठीक है. सो इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान को दिया हुआ था, पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं दिया हुआ. नाउ अब आप देख लो क्या हालत है. मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये वाली बात हो गई.
पाकिस्तान ने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग नहीं दिया है। अरे पाकिस्तान होता कौन है इंडिया को कोई टैग देने वाला, पहली चीज। सो इंडिया रिवोक द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस ऑफ पाकिस्तान एंड वॉन्ड ऑफ मोर मेजर्स इन रिस्पॉन्स टू इट्स सपोर्ट फॉर टेररिस्ट ग्रुप्स टारगेटिंग इंडिया। भाई क्लियर कट बोल दिया है भारत ने कि इस तरीके के और भी टफ मेजर्स लिए जाएंगे अगर इसी तरीके से टेररिस्ट ग्रुप्स को आप सपोर्ट करते रहेंगे इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है। सो व्हाइल पीएम मोदी असर्टेड दैट दोस रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्सडेस अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर वुड बी गिवन अ बिफिटिंग रिप्लाई, द ऑपोजिशन रैलीड बिहाइंड द गवर्नमेंट इन अ शो ऑफ यूनिटी। द गवर्नमेंट हैज कन्वीन्ड एन ऑल पार्टी मीटिंग ऑल्सो एंड द सुइसाइड कार बॉम्बिंग इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट किल्ड 40 पैरामिलिट्री पर्सनल, मेकिंग इट वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट ऑफ वायलेंस इन द हिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एमरजेंसी। द अटैकर, जो कि एक स्कूल ड्रॉप आउट था जो कि पिछले साल गुम हो गया था, रैम्ड अ व्हीकल लोडेड विद एक्सप्लोजिव्स इनटू अ कॉन्वॉय ऑफ सीआरपीएफ। ओके, सो एज कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड शेयर्ड इंडियास आउटरेज एंड कंडेम्ड द इंसिडेंट, द यूएस पुट पाकिस्तान इन द डॉक बाय आस्किंग इट टू इमीडिएटली एंड ऑल सपोर्ट टू टेररिस्ट ग्रुप्स। और साथ ही साथ जैश ए मोहम्मद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही ली है। नाउ देयर इज incontrovertible evidence of Pakistan's direct involvement in the attack, ऐसा कहना है अरुण जेटली का after a cabinet committee meeting. Okay, so Pakistan has also denied any involvement and termed the attack a matter of grave concern. The terrorist they have made a big mistake, Mr. Modi said, and you'll have to pay a very heavy price. I assure everyone that the forces behind the attack will bring them to justice. And India has also asked its High Commissioner to Pakistan, Ajay Bisaria, to return to New Delhi for consultation. अब ये करतारपुर कॉरिडोर एंड ऑल जो भी चल रहा था, अब ये देखो वक्त ही बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता। Now adjournment motion का purpose क्या होता है पार्लियामेंट में? Solve it guys. What is the purpose of adjournment motion in the Parliament of India? To allow a discussion on definite matter of urgent importance, to let opposition members collect information from the ministers, to allow a reduction of specific amount in demand for grant, and to postpone the proceedings to check the inappropriate or violent behavior on the part of some members. So correct answer होगा इसका A. The primary object of an adjournment motion is to draw the attention of Lok Sabha to a recent matter of urgent public importance having serious consequences and regard to which a motion or a resolution with proper notice will be too late. और guys एक और course है understanding anti-defection law in a doubt destroyer manner only on Unacademy. So do follow me and watch these courses. Now करतारपुर corridor जैसे आप बोल रहे हैं basically ये corridor है जो कि इंडिया को लिंक करता है करतारपुर गुरुद्वारा से। करतारपुर गुरुद्वारा पाकिस्तान में लोकेटेड है, रावी रिवर के बैंक्स में इट इज लोकेटेड। सो इंडिया को इस कॉरिडोर के माध्यम से लिंक किया जाएगा इस गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे के और मतलब एक तरीके से एक कॉरिडोर बना दिया जाएगा जिससे कि इंडियंस भी उस गुरुद्वारे में जा पाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ ये जो कॉरिडोर होगा इट विल कनेक्ट द होली श्राइन्स ऑफ डेरा बाबा नानक साहिब इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब जो कि इंडिया में है, और गुरुद्वारा दरबार साहिब जो कि करतारपुर में पाकिस्तान में।
सो पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे वो लाहौर गए थे, बस से आपको याद होगा, उस समय उन्होंने इस करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बात की थी 1999 में, जो कि अब फाइनली यूनियन कैबिनेट ने इसकी मंजूरी अभी यहां पे दी है। Now what does most favored nation mean? India ने पाकिस्तान को 1996 में most favored nation status का टैग दिया था, 1996, मतलब जब हम में से बहुत सारे लोग 2-3-4 साल के होंगे, और आज हम में से बहुत सारे लोग 24-25 साल के हैं, तो देखो आप, तब से most favored nation का टैग भारत ने दिया हुआ है, but पाकिस्तान ने भारत को टैग नहीं दिया। ओके, सो ये एक आर्टिकल है, द लो डाउन ऑन द एमएफएन स्टेटस, वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट डस मोस्ट फेवर्ड नेशन मीन? नाउ व्हाइल द टर्म सजेस्ट स्पेशल प्रेफरेंस फॉर द कंट्री गिवन एमएफएन स्टेटस, इट एक्चुअली मींस इट वुड बी ट्रीटेड इक्वली एज ऑल अदर्स। ऐसा लग रहा है ना कि भाई मोस्ट फेवर्ड, हाँ भाई कोई फेवरेट टाइप का कुछ ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं है। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस अगर आपने किसी देश को दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसे कोई स्पेशल प्रेफरेंस दिया है, इसका मतलब ये है कि आप उस कंट्री को बाकी की तरह इक्वली ट्रीट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द WTO रूल्स, दैट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, कंट्रीज कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स। ठीक है, कंट्रीज जो है अपने ट्रेडिंग पार्टनर के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, अनफेयर होगा वो WTO के रूल के हिसाब से। नाउ इफ वन कंट्री इज ग्रांटेड अ ट्रेड कंसेशन, ठीक है, मान लो इंडिया की 10 कंट्री के साथ ट्रेड हो रही है, हमने किसी एक कंट्री के साथ जो ट्रेड हम कर रहे हैं उसे हमने ट्रेड कंसेशन दे दिया, यानी कि हमने हमारी इंपोर्ट ड्यूटी लो कर दी उस देश के साथ, देन ऑल WTO मेंबर्स मस्ट बी एक्सटेंडेड द सेम कंसेशन। इसे कहा जाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट। सो डिस्पाइट रिपीटेड प्रोमिसेस, पाकिस्तान ने भारत को कभी भी ये टैग नहीं दिया। Now what does revoking it mean? Revoking it means India can levy whatever import tariff it wants. अब इंडिया को मतलब कोई पाबंदी नहीं होगी कि भाई उसे ये जो इंपोर्ट ड्यूटी या जो भी टैरिफ है ये कम रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, इंडिया की मर्जी। इंडिया can now make it very expensive for Pakistan to export its goods or services to India. हम बहुत ही मतलब महंगा बना सकते हैं पाकिस्तान के लिए दुनिया भर की ड्यूटीज एंड ऑल एड करके, जिससे कि पाकिस्तान के लिए भारत को कुछ भी एक्सपोर्ट करना, चाहे गुड्स हो सर्विसेस हो, टफ हो जाएगा। सो विल दिस हर्ट पाकिस्तान? सो फार इंडिया हैज ओनली रिवोक्ड द स्टेटस, इट हैज नॉट ऑल्टर्ड द इंपोर्ट ड्यूटीज, लेकिन अगर हम इसे बढ़ाते हैं तब डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन बात यहां पे ये आती है ना, बात यहां पे ये आती है कि यार इंडिया का पाकिस्तान के साथ टोटल ट्रेड जो है ना वो $2.4 बिलियन है, विथ $488.5 मिलियन इंपोर्ट है पाकिस्तान से। सो सिर्फ ये एक सिंबॉलिक मूव लगता है और कुछ खास मुझे नहीं लगता इसका असर होगा। Solve it guys. Rajya Sabha shares equal status and powers with Lok Sabha in which of the following? Introduction, passage of financial bills involving expenditure from Consolidated Fund of India, impeachment of the Vice President, impeachment of the President, enlargement of jurisdiction of Supreme Court and UPSC.
गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. चलिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, तब तक मैं आपको एमएफएन स्टेटस से रिलेटेड कुछ चीज बता देता हूं. एमएफएन एसेंशियली गारंटीज द मोस्ट फेवरेबल ट्रेड कंडीशन बिटवीन टू कंट्रीज. ठीक है, जिसमें क्या होगा कि भाई अगर आपने किसी को एमएफएन टैग दिया है तो जनरली ये होता है कि भाई वो जो कंट्री होगी वो टैरिफ डिक्रीज करेगी. ठीक है, और साथ ही साथ मतलब अपने मार्केट को और ज्यादा ओपन अप करने की कोशिश करेगी और बैरियर्स कम करेगी. फाइन, सो एमएफएन के बारे में मतलब इतना ही, और कुछ तो मतलब एज सच आई डोंट थिंक हमें और इतना ज्यादा डीप में जाना चाहिए. बस यू शुड नो दैट व्हाट इज एमएफएन. देखो, प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में राज्यसभा लोकसभा दोनों के पास बराबर पावर है. वाइस प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है. ओके, फाइनेंशियल बिल्स के इंट्रोडक्शन पैसेज में दोनों के पास बराबर पावर है, और सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी की जुरिसडिक्शन में दोनों के पास बराबर पावर है. सो टू हटा दो, बाकी करेक्ट आंसर है डी. ओके, राज्यसभा इंजॉयज ग्रेटर पावर इन इंपीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज इंपीचमेंट कैन ओनली बी इनिशिएटेड बाय राज्यसभा. एंड गाइज, मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है 10 PM पॉलिटी क्विज का, सो जरूर देखिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है. अनअकैडमी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. मोस्ट फेवर्ड नेशन फुल फॉर्म है एमएफएन का, एम सोहा. हेराल्डिंग अ न्यू डॉन, सो ये एक एडिटोरियल आज के न्यूज़पेपर का है. Just let's have a quick reading of this. ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे डेली. सो हाउ मेनी ऑफ यू रीड द न्यूज़पेपर डेली? एडिटोरियल्स एंड ऑल आपको समझ में आते हैं डेली के? दिव्यांशु, ये सारे कोर्सेज जो मैं बीच बीच में बता रहा हूँ सब फ्री कोर्सेज हैं. ईच वन ऑफ द कोर्स इज फ्री. So in April 2016, under the leadership of the custodian of two holy mosques, King Salman bin Abdul Aziz Al Saud and Crown Prince Mohammed bin Salman, the Kingdom of Saudi Arabia, they gave itself a goal and promise in the form of Vision 2030. The Saudi citizen has become the focal point for sustainable development with massive projects directed towards a vibrant society, a thriving economy and an ambitious nation. The entire foundation of our kingdom's economy is being transferred towards a post-oil age with the aim of attracting $427 billion on private investments over the next decade to diversify the economy and also to create 1.6 million new jobs through the National Industrial Development and Logistics Program. Okay? So according to World Bank's Ease of Doing Business report, Saudi Arabia has instituted the largest number of business reforms among countries in the MENA region. यानी कि Middle East और North Africa की region की बात करें तो Saudi Arabia जो है उसने सबसे ज्यादा मतलब business reforms अभी तक undertake किए हैं as of 2017 July. Now with its platform starting a business in the kingdom now require only one step and one day. Meras नाम है इस platform का. The single window platform FASA has also been launched for custom clearance and import export procedure.
मैनुअली अब आपको कुछ करना नहीं होगा. द रिपोर्ट हैज ऑल्सो रैंक सऊदी अरेबिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट रिफॉर्मर विद इन द G20 एंड इन 2018 सऊदी अरेबिया सॉ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट राइज बाय 127% ईयर ऑन ईयर. Global confidence in Saudi Arabia's ascent has further solidified with the IMF forecasting increased growth in July 2018. Okay, so kul mila ke yahan pe ye bola ja raha hai ki bhai Saudi Arabia ke jo ye do leaders the jo jinhone 2016 mein matlab ye goal diya promise kiya ki yaar hum matlab Saudi Arabia ko aur zyada tagda banayenge, ab hum sirf oil pe nahi khelenge, because unko pata hai ki agar unki economy sirf oil pe base hogi to oil pe बेस होगी तो जैसे कि वेनेजुएला का हो रहा है. वेनेजुएला पूरी तरीके से ऑयल बेस थी, अब ऑयल सेक्टर में रेट्स एंड ऑल कम हो गए, प्रॉब्लम आई तो पूरा का पूरा देश उसको झेल रहा है. तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी होता है इनकम का, चाहे वो एक इंडिविजुअल की बात कर लूं चाहे वो एक देश की मैं बात कर लूं. सो उसी को देखते हुए ये सारे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं. सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बना दिया गया है कि भाई जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर है वो आसानी से क्लियर हो सके, और साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मतलब सऊदी अरेबिया को फोर्थ लार्जेस्ट रिफॉर्मर बताया गया G20 के बीच में. ओके, और सऊदी अरेबिया ने देखा कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है 2018 में, ग्लोबल कॉन्फिडेंस जो है सऊदी अरेबिया की बढ़ोतरी में वो बढ़ रहा है, बिकॉज IMF ने एक इंक्रीज ग्रोथ शो किया है, फोरकास्ट किया है फॉर सऊदी अरेबिया इन July 2018. Now the kingdom's construction market is set to touch $96.52 billion in 2025, up from $45.33 billion in 2016. There are 3 giga projects underway. Okay, ये सब इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है. Then साथ ही साथ एक $100 billion plan investment in transport projects will also occur over the next decade as we expand the railway system and introduce new light rail mass transit projects in Riyadh, Jeddah, Makkah, Medina. And since a majority of the kingdom's population is below the age of 30, education is a key component. ठीक है, education तो बहुत important है यार. सत्येंद्र, go for English. अब प्रगति it will happen. अभी शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि यार ये भी लिख लूं वो भी लिख लूं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, धीरे धीरे you'll be able to filter it out. Now with the kingdom at the heart of the Arab and Islamic world, the changes taking place on the Saudi soil are creating positive influences for the entire Arab region. And ek tarike se Saudi Arabia lead karta hai na yaar, to Saudi Arabia mein kuch bhi cheez hoti hai to uska asar pure Arab region mein padta hi padta hai. Now Saudi Arabia remains committed to the social, economic, political stability of the region, and it will also continue playing a leading role in countering terrorism and establishing peace, as demonstrated by kingdom's contribution towards the historic peace accord signed between Ethiopia, Eritrea and in Riyadh. theek hai, so in our common pursuit for development and stability, Saudi Arabia sees India as an important partner. Our ties trace their roots to the 3rd millennium BC. trade, science, arts, literature, language, the exchanges between our civilization have indeed been profound. And India also hold a special place for us. Nearly 3 million Indians from the largest expatriate community in the kingdom. Now aap dekh lo, India has also seen its Hajj quota of 1,36,000 increase consecutively during the last 2 years to a record of 1,75,025. So India and Saudi Arabia, they have more opportunities today to tap into them than ever before. Or the bilateral trade in excess of $27 billion will accelerate because Saudi Arabia and India engage in a host of new areas such as ICT, healthcare, defense, biotechnology, etc., etc. So guys, let's just interact. Kaun kaun se cities hain aap sab? What you people are planning to do? Kya kar rahe hain abhi aap sab? थैंक यू शुभम दैट आपको मेरे एनालिसिस हेल्प आउट कर रहे हैं.
अंकित चौहान आप आपसे वीडियो देखने लगे हैं, तो व्हाट आई विल से इसकी डेली एडिटोरियल्स पढ़िए, डेली आर्टिकल्स पढ़िए, खुद से समझने की भी कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके दिव्यांशु, हेलो मनु, ये सारे द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं जो हम यहां पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल में आपको इंडिया सऊदी अरेबिया के रिलेशंस के बारे में जो बात की जा रही है ना, उस पे फोकस करना है। मैं आपको यहां पे बताता हूं, ठीक है। सऊदी अरेबिया डेवलपमेंट चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, इंडिया डेवलपमेंट चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, ओके। कॉमन परस्यूट है, चाहे डेवलपमेंट की ले ले बात, चाहे स्टेबिलिटी की ले ले। इन दिस कॉमन परस्यूट सऊदी अरेबिया भारत को एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर के नजरिए से देखता है। भाई थर्ड मिलेनियम बीसी से हमारे मतलब तार जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो ट्रेड हो गया, साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, लैंग्वेज, द एक्सचेंजेस बिटवीन आवर सिविलाइजेशंस हैव इंडीड बीन प्रोफाउंड। इंडिया होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस फॉर अस। नियरली 3 मिलियन इंडियंस फ्रॉम द लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी इन द किंगडम। अब आप देख लो कितने लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं यार, कोई लिमिट नहीं है। So, the bilateral trade for 17-18 in excess of $27 billion will accelerate because जाहिर सी बात है यार, सऊदी अरेबिया और इंडिया अपने ट्रेड को एक्सपांड करना चाहेंगे। आईसीटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, डिफेंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, सो इंडिया इज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज ऑन द किंगडम्स प्रिफर्ड लिस्ट विद ग्रेट पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट इन ऑर्गेनिक एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। Now, the energy partnership between the two countries is also finding new grounds. As of October 2018, Saudi Aramco has nearly $2 billion in material service sourcing with Indian companies and investing in India's value chain from oil supply, marketing and refining to petrochemicals and lubricants is also a very key part of its global downstream strategy. हेलो शिव, हेलो शिव कुमार। सो द $44 बिलियन इंटीग्रेटेड रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स एट रत्नागिरी इन महाराष्ट्र बिंग जॉइंटली डेवलप्ड बाय सऊदी अरामको एंड अ कंसोर्टियम ऑफ इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कंसिस्टिंग ऑफ IOCL, BPCL एटसेट्रा इज येट अनदर माइलस्टोन। ठीक है, सो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मेट PM मोदी ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट और दोनों ही साइड्स ने एग्री किया टू सेट अप अ हाई लेवल मैकेनिज्म टू बूस्ट कंक्रीट एक्शन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स एंड एस फॉर्मिडेबल इकोनॉमीज ऑफ मीना एंड एशिया, सऊदी अरेबिया एंड इंडिया हैव अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ आवर रीजन फॉर अ बेटर टुमारो फुल ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड प्रॉमिस। ओके, सो ये आर्टिकल किसने लिखा है? सऊदी अरेबिया के जो एम्बेसडर है भारत में सौद अल सती ने लिखा है। नाउ अगला क्वेश्चन है गाइस, सॉल्व कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन कैन बी मूव टू रिड्यूस एनी डिमांड फॉर ग्रांट। करेक्ट आंसर विल बी कट मोशन। ठीक है, कट मोशन इज द करेक्ट आंसर एंड मोशन टू रिड्यूस एनी डिमांड फॉर ग्रांट आर कॉल्ड कट मोशन एंड द वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट इज द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ लोकसभा। राज्यसभा का कोई पावर नहीं है वोटिंग को लेके। एंड ये भी एक फ्री कोर्स है, अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल राइट्स। ओके, अनअकैडमी में बस आपको जाना है, फॉलो करना है, दैट्स इट। सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं।
ओके नाउ फॉर एवर प्रेसिडेंट द हिंदू न्यूज़पेपर का ये एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है. लेट्स जस्ट रीड अबाउट इट. इजिप्ट्स प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस टू एक्सटेंड प्रेसिडेंशियल टर्म्स आर अ ह्यूज सेटबैक्स टू द कंट्रीज डेमोक्रेटिक प्रोसेस. आपको याद होगा, आपको याद होगा जो अब्दुल फतेह अल सीसी हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करके प्रेसिडेंशियल टर्म्स को एक्सटेंड किया था. मैं आपको बताता हूं. सो ये पिछले साल री इलेक्ट किए गए थे एंड दिस प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी इज द मिलिट्री लीडर हु सीज्ड पावर इन 2013 में उन्होंने पावर सीज की थी. नाउ वुड बी अलाउड टू बिगिन अ फ्रेश सिक्स ईयर टर्म इन 2022 अंडर द न्यू अमेंडमेंट्स. ओके सो ये लास्ट ईयर में वापिस से चुने गए हैं और 2022 में वापिस से इनका 6 साल का टर्म स्टार्ट होगा. सो अनदर प्रोविजन इन्विसाजेस अ पॉलिटिकल रोल फॉर द मिलिट्री एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड थर्सडेज पार्लियामेंट्री वोट इनिशिएटिंग दिस चेंजेस विल हैव टू बी रेटिफाइड इन अ पॉपुलर रेफरेंडम. ओके इट विल हैव टू बी रेटिफाइड इन अ पॉपुलर रेफरेंडम बट इफ यू डाउट द एस्टैब्लिशमेंट कैपेसिटी टू सिक्योर इट and the 2018 general elections were held without a serious challenger to Mr. Sisi, whose rival was in fact handpicked by the regime after other contenders were forced to quit the race. ठीक है, बाकी contenders को मतलब force किया गया कि भाई तुम participate ही मत करो इस election में, और Mr. Sisi ने खुद ही अपने rival को handpicked किया और हरा दिया. So the economy has returned to a growth trajectory following an IMF loan in 2016. But soaring prices and double-digit unemployment have dimmed the government's overall appeal. Okay, so in the past 5 years, the popular upsurge that began with the Arab Spring, that began with the overthrow of Hosni Mubarak in 2011, has subsided, and the military crackdown has vengefully targeted Islamists from the Muslim Brotherhood government of former President Morsi, who has since been convicted. The media and political activists, anxious to consolidate the gains from the 2011 Tahrir Square mass protests have not been spared the authorities' wrath either. So Egypt had become nominal attempts at ushering in a multi-party system in 2005 when Mubarak got himself elected for a fifth term. But within a few months, he declared himself president for life. And attempts to switch to popular representative government in the latter part of his tenure were merely cosmetic. So within years in 2011 followed the mass protest that demanded the overthrow of the regime of Mubarak and formed the epicenter of the Arab Spring. So today events have turned a full circle under Mr. Sisi's firm grip on the level of power. Okay, the military has never been so powerful since the rule of Abdel Nasir. And as with several autocrats today, the Egyptian leader has leveraged the American and the Russian governments effectively, while they seem indifferent to the military success. So guys, any doubt? Koi doubt hai abhi tak aapko? Anything that you want to ask? Let's just clear out the doubts. लर्निंग एम लक्ष्मीकांत थ्रू 50 पॉलिटी फैक्ट्स का कोर्स भी जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. 50 पॉलिटी फैक्ट्स के माध्यम से पॉलिटी हमने कवर करने की कोशिश की है इन कोर्सेज में. ओके, अभी तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू मैं कर रहा हूं.
So Railway Minister Piyush Goyal on Friday told reporters that the tendering process for the manufacture of 30 more semi-high speed trains like Vande Bharat Express has already begun. And additionally, the Prime Minister's approval has been sought for 100 more such train sets. Okay, so the major systems of this train have been designed and built in India, and it meets global standards of performance, safety, passenger comfort at half the global cost. Okay, so it therefore has the potential to be a game changer in the global rail business, and this is the only first train of its kind based on consumer feedback. Fine, so built at the Integral Coach Factory ICF Chennai, the Vande Bharat Express has a total seating capacity of 1128 passengers. Theek hai? All the coaches are equipped with automatic doors, GPS based passenger information, Wi-Fi, bahut sari cheeze hai. Bio vacuum type toilets hai, similar to those on airplanes. Then on the downside, the chair car seat are not very comfortable. Leg space bhale hi utna nahi hai. In contrast, the executive class seats are plush and can rotate 180 degrees. Every coach has a pantry with facilities to serve hot and cold or hot meals. So the coaches are also well insulated from outside noise. And the train which left New Delhi station at 11:20 reached its terminus Varanasi at 9:37 after a 40-minute halt at Kanpur and a 90-minute halt at Allahabad. Okay, so Vande Bharat Express ke baare mein ye charcha chal rahi hai newspaper and all mein. Agar aap padhna chahein, articles khud se padh sakte hain. So guys, आखिरी के 10 मिनट जो बचे हैं सेशन में, उनमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. बताइए क्या डाउट्स हैं आपको. Please tell me how to cover current affairs of whole year in 3 months. So, 3 months mein whole year ke current affairs aapko cover karna hai. Okay. So, main bhi Unacademy Plus mein bahut jaldi current affairs ka ek course launch karne ja raha hu. So, 3 months mein hum pure saal bhar ka current affairs wahan pe cover kar lenge. So, the best way is to enroll in my courses. अमेंडमेंट के ईयर कभी कभी याद रखना जरूरी होता है बिकॉज प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, सो पता होना चाहिए थोड़ा सा, उतना नहीं लेकिन थोड़ा सा, एटलीस्ट जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं उनके ईयर आपको याद रखने जरूरी है. गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर कोर्स मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ अमन सिंह. डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए. एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ पूछना है? आर्टिकल याद करने की कोई ट्रिक है क्या? जी नहीं, आर्टिकल याद करने की ट्रिक अगर है भी, यूट्यूब में आपको बतेरे वीडियोस मिल जाएंगे इस तरीके के, लेकिन यार कोई काम का नहीं है. सच बता रहा हूं, टाइम वेस्ट है, कोई काम का नहीं है वो. स्पेशल मेजोरिटी इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जी हाँ, क्या डाउट क्या है इसमें अमन सिंह? व्हाट्स द डाउट इन दैट? Is it possible to get selected in UPSC from home? Yeah, absolutely. It is possible. बिल्कुल possible है.
सो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ 50 पॉलिटी फैक्ट्स के बारे में। देखो जब भी हम एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं, तो कई बार ये होता है ना कि यार हमने चैप्टर पढ़ लिया, अच्छे समझ में आ गया, लेकिन उसके बाद भी उस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम ध्यान में नहीं देते, ठीक है? और वो सारी बातें आपको इस 50 पॉलिटी फैक्ट्स के कोर्स में देखने को मिलेगी। एंड आई गारंटी यू कि अगर आप एक चैप्टर 10 बार पढ़ के भी आओगे ना, तो भी इस 50 पॉलिटी फैक्ट्स में से मैं आपको कोई कोई ना कोई नई चीज जरूर बताऊंगा उस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आपको सरप्राइज करेगी कि यार हाँ ये भी था उसमें। सो 50 पॉलिटी फैक्ट्स बेसिकली एक क्रिएटिविटी है पॉलिटी को आसान बनाने की, पॉलिटी के सिलेबस को आसान बनाने की। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, रिवाइज करने तक के लिए टाइम नहीं मिल पाता, वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यार देखो 8-8 मिनट के वीडियोस में लगभग 5-6 वीडियोस में 50 फैक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। सो मतलब अगर आप 50 to 60 मिनट्स, 1 घंटा भी मान के चलो, 1 घंटे में आपने 50 फैक्ट्स रिवाइज, मतलब आपको पूरा तो देखना नहीं है, जब आप रिवाइज करेंगे तो आप फॉरवर्ड कर करके देखेंगे, आप हाफ एन आवर में रिवाइज कर सकते हैं जितने भी फैक्ट्स है ना, आप आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। वैभव दीक्षित, आई एम अ स्टूडेंट इन IIT इन सेकेंड ईयर, बट आई फाइंड डिफिकल्ट इन मेंटेनिंग मोमेंटम विद कॉलेज। या इट हैपेंस, इट विल हैपन। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि यार आप सेकेंड ईयर में होके अभी अभी से आपका यूपीएससी करने का क्लियर है, सो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन दैट यू हैव टेकन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज स्टार्ट एनसीईआरटी, स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, और ज्यादा से ज्यादा आप अनअकैडमी में जो जितने भी फ्री कोर्सेज हैं वो भी देख सकते हैं खाली टाइम में। अगर आप मेट्रो में चढ़ रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, ईयरफोन लगाया, आपने वीडियो सुन लिया, दैट्स इट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इज दैट क्लियर? करंट अफेयर्स का कोर्स कब शुरू करोगे, प्लीज हेल्प मी। बिल्कुल बहुत जल्दी मानिक वर्मा, बहुत जल्दी मैं वो करूंगा, लेकिन क्या उसके लिए आपने अनअकैडमी प्लस में सब्सक्राइब किया है? बिकॉज जब तक आप उसमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको मेरे कोर्सेज का पता नहीं चलेगा, और वही चीज मैं यहाँ पे आपको बार बार बता रहा हूँ कि इफ यू मिस दिस यू मिस आउट। ये जो 10% डिस्काउंट का ऑफर है प्लस 25% डिस्काउंट है 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन में। ओके सो पहले ये होता था कि आपने राहुल अग्रवाल के कोर्स को सब्सक्राइब किया है तो आप जतिन वर्मा का कोर्स नहीं देख सकते, आप अभिषेक श्रीवास्तव का कोर्स नहीं देख सकते, बट अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, ठीक है? अब अगर आपने यूपीएससी कैटेगरी में सब्सक्राइब किया है तो जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनके कोर्सेज आप देख सकते हैं। सो ये रिफरल कोड आपको यूज करना है राहुल अग्रवाल, बिना बिना किसी स्पेस के, बिना किसी स्पेस के अगर आप इसे यूज करेंगे, यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। सो अभी मैं दो कोर्स ऑलरेडी कर रहा हूँ, 1000 पॉलिटी MCQs का कोर्स मैं कर रहा हूँ और दूसरा कोर्स मैं कर रहा हूँ कंप्लीट कोर्स ऑन एग्जाम सेंट्रिक टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये दोनों कोर्सेस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बीएड कर रही हूँ, क्या ये सही टाइम है प्रिपरेशन के लिए? बिल्कुल, यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए कोई गलत टाइम या सही टाइम नहीं होता, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज में हैं, आप जॉब कर रहे हैं, या अगर ऐसा कुछ है, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको वे आउट निकालते हुए एटलीस्ट जो बेसिक्स है वो क्लियर करने होंगे। नाउ दीपू सिंह इज आस्किंग व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कवर फुल सिलेबस। ऐसा कुछ रूल नहीं है, ऐसा कोई मिनिमम टाइम नहीं बता सकता मैं फुल सिलेबस कवर करने के लिए। सो आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड प्लानिंग फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, वॉट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड? अगर आप पूछ रहे हैं
क्लियर कट मैं आपको बता देता हूं कि एटलीस्ट आप ये कोशिश कीजिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जून से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, सो ट्राई कि आप जनवरी तक प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर लें। करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, करंट अफेयर्स को छोड़ के, बिकॉज करंट अफेयर्स आप लास्ट तक आपको पढ़ना पड़ेगा। सो दिसंबर जनवरी तक आप प्रीलिम्स का जो स्टैटिक सिलेबस है वो कवर करें, उसके बाद आप तीन या चार महीने अप्रैल तक मेंस के सिलेबस पे जाएं, एंड देन अगेन आफ्टर अप्रैल रिवाइज द प्रीलिम्स सिलेबस। ये होगी आपकी स्ट्रैटेजी, दिस मस्ट बी योर स्ट्रैटेजी। ओके, इस तरीके से अगर आप करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो मेंस की प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं, सो आप वो भी कर सकते हैं। आप मेंस के सिलेबस को उठाइए और वो उसकी तैयारी कर दीजिए। सो बस अगर आपका मेंस का सिलेबस सॉर्ट आउट हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपका प्रीलिम्स आसान हो जाएगा। ठीक है, आप मेरा YouTube चैनल है एक, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। IAS ज्ञान नाम का एक YouTube चैनल है, वो मेरे द्वारा ही मतलब बनाया गया है, सो सब्सक्राइब टू दैट। सो हाउ मेनी ऑफ यू विल रेट टूडेज क्लास 10 out of 10? आज की क्लास को आउट ऑफ 10 रेट कितने स्टूडेंट्स करेंगे? अंकित चौहान जैन से, जनवरी से। सो गाइस, अनअकैडमी प्लस का जो मैंने आपको रेफरल कोड बताया है, हाउ मेनी ऑफ यू विल सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस टुडे बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड? आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये सब्सक्राइब करेंगे आज इस रेफरल कोड का यूज करके? ओके, सो अमन, यूज द कोड राहुल अग्रवाल स्मॉल लेटर्स में, और अग्रवाल की स्पेलिंग ध्यान से देखना, स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो विद दैट आई विल बी एंडिंग टुडे सेशन गाइस, थैंक्स अ लॉट।